स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फोर्थ रिवीजन क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से मैंने लेट एक वाइट लाइट पास करवाई और वो स्प्लिट हो गई अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। आप देख सकते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में वो यहाँ पर स्प्लिट हो गई है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ना कि वाइट लाइट गई हमारे ग्लास प्रिज्म से और स्प्लिट हो गई अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, तो इस प्रोसेस को हम जानते हैं हमारे डिस्पर्जन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिस्पर्जन क्या होगा बताइए? डिस्पर्जन इट इज़ द प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स into its constituent colors when passed through a glass prism। यही बनी ना हमारी डेफिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट और एनी लाइट इंटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स वेन पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब देखो, अब जब हमारी लाइट यहाँ से पास होकर स्प्लिट हो गई तो हमको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिला है ना कलर्स का, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, हमको विबग्योर मिला है। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है अलग अलग कलर्स का आफ्टर डिस्पर्जन, तो इसको हम जानते हैं स्पेक्ट्रम के नाम से। क्लियर है? तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। स्पेक्ट्रम क्या बना हमारे पास बताओ? इट इज़ दी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्जन। यही था ना, डिस्पर्जन हुआ, हमको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिला कलर्स का, उसको हमने जाना स्पेक्ट्रम के नाम से। ठीक है, अब देखो हमें कौन से कलर्स मिले थे। हमें विबग्योर मिला, विबग्योर के कलर्स हम जानते हैं क्या होते हैं, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विबग्योर के कलर्स, है ना। अब देखो हमारे पास इनकी एक पर्टिकुलर, हर कलर की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। फाइन, सबसे कम वेवलेंथ है हमारे पास यहाँ पर वॉयलेट की, जो कि है 3500 एम्स्ट्रॉन्ग, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है हमारे पास यहाँ पर रेड की, जो कि है 7500 एम्स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी जो वेवलेंथ है नीचे से ऊपर, मतलब विबग्योर में हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। राइट, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगर कोई हमसे पूछेगा यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या बनेगा हमारे पास? सबसे ज़्यादा कम किसकी है? वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा किसकी है? रेड की। तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ नीचे से ऊपर जा रही है हमारे पास, वॉयलेट टू रेड जा रही है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब देखो, चलो अब देखते हैं, हम जानते हैं दैट ई इज़ इक्वल्स टू एच न्यू, जानते हैं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और न्यू इज़ इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ये भी हम जानते हैं। फाइन, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर म्यू की, उसको मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पर, कर दूँ पुट। तो इसको यहाँ पर जब मैं पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैमडा, यही मिला ना। अब देखो, एच और सी हम जानते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर एच और सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लैमडा, यही लिखेंगे ना हम, लिख सकते हैं यहाँ पर ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा यानी वेवलेंथ हमारे पास जितनी कम है उतनी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, या फिर जितनी एनर्जी ज़्यादा है उतनी कम वेवलेंथ होगी। राइट, तो अब देखो वापस अपने ऑर्डर पे आ जाओ। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी थी? रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी? वॉयलेट की। तो अब हमने पढ़ा कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर किसकी होगी हमारे पास? वॉयलेट की, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ है। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी हमारे पास यहाँ पर, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है? रेड की। तो हम कह सकते हैं ना कि एनर्जी हमारे पास रेड टू वॉयलेट हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फाइन, तो कोई ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछे अगर आपसे इसमें, तो आप बता सकते हैं कि ऊपर से नीचे हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो लिखिए, चलिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, हमारी एनर्जी ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है, तो ये बन गया हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए, ये तो था हमारा बेसिक्स ऑफ डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम।
अब एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इम्पॉर्टेंट करके मार्क करिएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिएगा इसको साथ में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोबारा से एक ग्लास प्रिज्म हमको चाहिए होगा, यहाँ पर ग्लास प्रिज्म हमारे पास आ गया, और यहाँ पर मेरे पास है एक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है मेरे पास, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है मेरे पास हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है मेरे पास इस डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लाइट रे गई हमारे ग्लास प्रिज्म पे, चलिए लाइट रे यहाँ से गई हमारे पास ग्लास प्रिज्म पे। ठीक है, ग्लास प्रिज्म से पास हुई, और हमको काफ़ी सारी लाइन्स मिली यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस ली हमने डिस्चार्ज ट्यूब में, लाइट रे गई, और जैसे ही हमारे ग्लास प्रिज्म से पास हुई, ग्लास प्रिज्म मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पर, ग्लास प्रिज्म, जैसे ही हमारे ग्लास प्रिज्म से पास हुई हमको बहुत सारी लाइन्स मिली। ठीक है, लेकिन वो जो लाइन थी, लेट अस सपोज बहुत सारी लाइन्स हमको यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो लाइन्स थी ना हमारे पास, ये जो हमारे पास लाइन्स मिली बहुत सारी, वो 6 के ग्रुप में डिवाइडेड थी। ठीक है, मतलब 6 अलग अलग ग्रुप्स थे जिसमें लाइन्स थी हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। वन टू फोर फाइव एंड 6। ठीक है, 6 ग्रुप्स हो गए हमारे पास, तो वो इन 6 सीरीज में डिवाइडेड थी, और इन 6 सीरीज के बीच में गैप था। तो अब देखिए, हम जानते हैं हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें बीच में कोई भी गैप नहीं होता, जो भी हमको लाइंस मिल रही है उसमें बीच में कोई भी गैप नहीं होता, फाइन। और दूसरा हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमको जो लाइंस मिल रही है उनके बीच में गैप होता है, जैसे हम देख सकते हैं अलग 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 ग्रुप्स ऑफ लाइन मिली है इसमें, लेकिन उनके बीच में गैप है, तो हम इसको इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, फाइन। तो ये था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। अब हमको ये जो 6 सीरीज यहाँ पर मिली है ना, इन 6 सीरीज को भी हमने नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया हमने, सबसे पहले जो हमको मिली सबसे नीचे उसको हमने बोला लाइमन सीरीज, दूसरी जो हमें मिली उसको हमने क्या बोला, बाल्मर सीरीज, तीसरी जो थी उसको हमने बोला पास्कन सीरीज, चौथी जो हमको मिली उसको हमने बोला ब्रैकेट सीरीज, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ जो हमको मिली उसको हमने बोला फंड सीरीज, याद रखिएगा इसमें P जो है साइलेंट है, फंड सीरीज के नाम से हम इसको जानते हैं। और सिक्स सीरीज जो हमको मिली थी वो थी हम्फ्री सीरीज, कौन सी थी, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, अब आपको ना कुछ बुक्स में हम्फ्री सीरीज का नाम नहीं दिया जाता है, उसमें सिर्फ 5 सीरीज मानते हैं, कुछ में दिया है कुछ में नहीं दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 सीरीज भी होती है जिसे हम हम्फ्री सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बताओ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इसमें क्या मिलेगा हमें, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताइए क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था हमारी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ इंक्रीज होती है, बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताओ मेरे को, सबसे कम कहाँ होती है, नीचे होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पर किसकी होगी, सबसे नीचे कौन सी सीरीज है हमारे पास, लाइमन सीरीज, तो सबसे कम हमारे पास आ जाएगी लाइमन सीरीज, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी वेवलेंथ, ऊपर 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 इंक्रीज होती है ना हमारी वेवलेंथ, सबसे ऊपर कौन सी सीरीज है हमारे पास, हम्फ्री सीरीज, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आएगी, ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हमारे पास आएगी हम्फ्री सीरीज। ठीक है, क्लियर है सबको, इतना सबसे कम वेवलेंथ लाइमन की, सबसे ज़्यादा हम्फ्री की। अब ये तो हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, अब हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होएगा बताइए, हमने अभी पढ़ा था दैट आर एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसकी एनर्जी सबसे, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, राइट। तो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, कौन सी है, हम्फ्री सीरीज, तो हम्फ्री सीरीज की एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी बताइए,
लाइमन, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम थी। यहाँ पर आ गई हमारी लाइमन सीरीज, ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को। तो अब देखिए, अब दोबारा से एक बार हम सारी सीरीज के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन सी, सबसे पहले हमारे पास सबसे नीचे कौन सी थी, लाइमन सीरीज, फिर कौन सी आई थी, बाल्मर, बाल्मर सीरीज, फिर कौन सी आई थी हमारे पास, पास्कन, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद कौन सी थी बताइए, फंड, फिर उसके बाद लास्ट में आई हमारी हमफ्री सीरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास आई हमारी 6 सीरीज, डुप्लीकेट सबके आगे सीरीज लिख देते हैं, है ना। तो ये आ गई हमारी 6 सीरीज हमारे पास, कौन सी है, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड एंड हमफ्री, ठीक है। ये हो गई हमारी 6 सीरीज। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज और थोड़ा सा पार्ट ऑफ बाल्मर सीरीज, ये दो हमारे पास आती हैं हमारी यूवी रीजन में, कौन से रीजन में, यूवी रीजन, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्ट ऑफ बाल्मर हमारा आता है हमारी विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में आ गया, और थोड़ा सा पार्ट ऑफ बाल्मर और बाकी जितनी भी हमारे पास सीरीज हैं, ठीक है, ये सारी आती हैं हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन जिसको हम कहते हैं, इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी बार ना एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी सीरीज है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो कौन सी सीरीज है जो विजिबल रीजन में है, कौन सी, बाल्मर सीरीज। और कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सीरीज है जो कि हमारी तीनों रीजन में आती है, यूवी में भी, विजिबल में भी और IR में भी। तो बताइए कौन सी होगी वो, बताइए, बाल्मर सीरीज, क्योंकि वो यूवी में भी आती है, विजिबल में भी आती है और IR में भी आती है। तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन, नोट बनाकर इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, दैट बाल्मर सीरीज इज द ओनली सीरीज दैट वी कैन सी फ्रॉम आर आईज, बाल्मर सीरीज इज द ओनली सीरीज दैट वी कैन सी फ्रॉम आर आईज, क्यों, क्योंकि विजिबल रीजन में आती है। और दूसरा नोट बनाकर लिख लीजिएगा, दैट बाल्मर सीरीज इज द ओनली सीरीज विच कम्स इन ऑल थ्री रीजन्स, कौन से तीन रीजन है हमारे पास, यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड IR रीजन। तो ये था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इम्पॉर्टेंट है याद करना आपको, ठीक है। तो अब चलिए आगे हमारे पास, अब देखिए कभी कभी ना हमारे पास जो लाइन्स आती हैं तो उसमें हमको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाइन्स का स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी हमें ऑप्टेन हो रही हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बना लेती हूँ अलग एनर्जी लेवल्स। हमारे पास हम जानते हैं कि ऑर्बिट होते हैं अलग, मैं ऑर्बिट का एक छोटा सा पार्ट लूँगी, ठीक है, ऑर्बिट का एक छोटा सा पार्ट मैं लूँगी, तो उसको मैं सीधा स्ट्रेट लाइन करके दिखाती हूँ, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। तो ड्रॉ करिएगा साथ साथ, ठीक है। हम लाइक सपोज 8 बना लेते हैं ऐसे, फाइन, मैं एक ही को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और इन्हीं को यूज़ कर लूँगी। जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे एनर्जी गैप हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, 7 और ये आगे हमारा 8, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सबसे नीचे है, इसको हम n इज इक्वल्स टू 1 बोल देते हैं, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू 8। अब हम जानते हैं हमारे एटम का साइज क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कितने होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट होंगे। तो ऐसे ही n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हमारा अगर n इज इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज सेकेंड से आ रहा है 1 में, ठीक है, या थर्ड से आ रहा है, या फोर्थ से आ रहा है, या फिफ्थ से आ रहा है, मतलब कहीं से भी 6, 7, 8 इनफाइनाइट कहीं से भी आ रहा है, अगर हमारे n इज इक्वल्स टू 1 में आ रहा है वो, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी n इज इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, तो हम n1, क्या n1 वो होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन आता है, तो n1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, और n2 वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
तो एन टू हमारे पास क्या हो सकता है, 2, 3, 4 एनी नेचुरल नंबर हो सकता है हमारे पास, क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे n इज इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो वो कौन सी, लाइमन सीरीज होती है, तो मतलब लाइमन सीरीज में आ रहा है, ठीक है, तो मतलब लाइमन सीरीज में आ रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन हमारे n इज इक्वल्स टू 2 में आ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज 3 से आ रहा है या 4 से आ रहा है, अगेन 5, 6, 7, 8 कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ी लाइन स्टेडी हो रही है यहाँ पर, आप स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n1 क्या होएगा हमारे पास, n1 वो होता है जहाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो n1 किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो n1 हमारे पास क्या होएगा, 2, और n2 क्या होगा, जहाँ से आ रहा है, अगेन 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और कौन सी सीरीज है ये हमारे पास, ये तो थी हमारी लाइमन सीरीज, ठीक है, अगर n1 = 1 है तो वो लाइमन सीरीज होगी, और अगर n1 = 2 है ये है, तो ये कौन सी सीरीज होगी हमारी, बाल्मर सीरीज, है ना, ठीक है। अब अगर हम हमारे n इज इक्वल्स टू 3 में आ रहा है तो क्या होगा, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, या फिर 6 से आ रहा है, या 7 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है थर्ड में, ठीक है, तो n1 क्या होगा यहाँ पर, थर्ड में आ रहा है तो n1 क्या होएगा, 3, और n2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4, 5, 6, अगेन एनी नेचुरल नंबर, और 3 ये कौन सी सीरीज होगी हमारे पास, बताइए, पास्कल सीरीज। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब फोर्थ में अगर आ रहा है, आई थिंक अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा सारा, फोर्थ में अगर आ रहा है तो बताइए n1 क्या होगा यहाँ पर, n1 फोर्थ में आ रहा है तो n1 4 होएगा, और n2 5, 6, 7 एनी, अगेन एनी नेचुरल नंबर, और ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। सिमिलरली अगर फिफ्थ में आ रहा है, ठीक है, तो अगेन n1 हमारे पास क्या आएगा, 5, n2 क्या आएगा हमारे पास, 6, 7 और एनी नंबर, और ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, फंड सीरीज। और अगर वो सिक्स्थ में आ रहा है, ठीक है, सिक्स्थ में आ रहा है कहीं से भी, तो n1 क्या होगा हमारे पास, 6, और n2 क्या होगा, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी एनी, और उसको सीरीज कौन सी है हमारे पास, वो हम्फ्री सीरीज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि n1 क्या होता है, n2 क्या होता है, कौन सी सीरीज में आता है, तो n1 1 कब होगा, n1 2 कब होगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, फाइन। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम N2 orbit to N1 orbit, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा स्पेक्ट्रल लाइन्स का, तो नोट कीजिएगा इसको, N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 divided by 2, तो ये होगा हमारा स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला, फाइन। तो इसके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जब हम इसको करेंगे तो लिखिए, अभी तक आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, लिखिए क्वेश्चन आप साथ साथ। क्वेश्चन वन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेंड Find out total number of spectral lines obtained when electron jumps from 8th orbit to 1st orbit. ठीक है, 8th orbit से 1st orbit में jump कर रहा है, spectral lines ढूंढनी है कितनी है। फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला होता है, तो बताओ n2 क्या होगा, n2 क्या होता है, n2 वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 8th से 1st में आ रहा है, तो n2 क्या हुआ हमारे पास, 8, और आ किस में रहा है, 1st में, तो n1 क्या हुआ, 1, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल्स टू n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2, करेक्ट। तो n2 क्या है, वैल्यू पुट करो, 8 minus 1 into 8 minus 1 plus 1 divided by 2, 1 से 1 कट गया, क्या बचा हमारे पास,
8 माइनस 1 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 56 डिवाइडेड बाई 2 और 56 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आया 28। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास आंसर 28 लाइंस। ये रहा हमारा आंसर रेडी। कुछ भी नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन टू, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज जंप्स फ्रॉम सेवेंथ ऑर्बिट, जंप्स फ्रॉम सेवेंथ ऑर्बिट टू बाल्मर सीरीज। ठीक है, अब दोबारा बताओ N2 क्या होगा यहां पर, जहां से आ रहा है कहां से आ रहा है, सेवेंथ ऑर्बिट से बाल्मर सीरीज में आ रहा है। ठीक है, तो N2 तो हमारे पास सेवन हो गया, अब N1 क्या आएगा हमारे पास बताओ, यहां पर N1 कौन कहां पर आ रहा है, बाल्मर सीरीज में आ रहा है। अब भी मैंने आपको ऊपर बताया था N1 के लिए, देखो N1 बाल्मर सीरीज कौन सी है, जहां पर हमारे पास N1 is equals to 2 है, वो हमारी बाल्मर सीरीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, N1 लाइमन सीरीज, N1 n equal to 1 लाइमन, n equal to 2 बाल्मर, n equal to 3 पास्कल, n equal to 4 ब्रैकेट, n equal to 5 फंड एंड n equal to 6 हम्फ्री सीरीज। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर बाल्मर सीरीज है, तो N1 क्या हो गया हमारे पास 2। अब सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो N2 क्या है हमारे पास 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आया हमारे पास 7 माइनस 2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 20 डिवाइडेड बाय 2। और एकदम आसान कैलकुलेशन, यहाँ पर कितना आया हमारे पास 10 लाइंस आ गया हमारे पास ये आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला और ये टॉपिक क्लियर होगा अभी तक। तो मिलते हैं अपनी अगली रिविजन क्लास के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।